Hello and welcomes you all. Thanks for clicking. I, Dr. Dinesh, welcomes you all. Now, today we will discuss about the Journal of Critical Review. So, this is the special video for our YouTube family member. So, सबसे पहले मैं उनका नाम बताना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं उनकी मदद कर पाऊँ, उनको सपोर्ट कर पाऊँ उनकी रिसर्च के लिए. सो थैंक यू अंकुर फॉर बिलीविंग इन मी. आपने मुझ पर विश्वास किया कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, आपको सपोर्ट कर सकूं. सो ऑन बिहाफ ऑफ द अंकुर गुप्ता फॉर द रिव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर जर्नल. सो दिस इज़ द ऑफिशियल साइट ऑफ द जर्नल ऑफ क्रिटिकल रिव्यू. सो आज हम इस पर्टिकुलर जर्नल के रिगार्डिंग बात करेंगे, इस पर्टिकुलर जर्नल को रिव्यू करेंगे, उसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, जो आपको एक एज ए रिसर्चर आपको इस पर्टिकुलर जर्नल से रिगार्डिंग एक फैमिलियर होना चाहिए, आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए. सो दिस इज़ द ऑफिशियल साइट. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो आप वहाँ से जस्ट आपको क्लिक करना है तो आप इस प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे. तो हम जर्नल को रिव्यू कैसे करते हैं? तो बीइंग ए रिसर्चर, बीइंग ए फैकल्टी मेम्बर, आपको एक थॉरली एक एक्सपीरियंस और एक काइंड ऑफ फैमिलियरिटी होना चाहिए कि जब हम एक अपने रिसर्च पेपर, अपना मैन्यूस्क्रिप्ट जो आपने बहुत मेहनत के बाद एक रेडी किया है और उसको आप जब एक पब्लिशिंग के लिए जाते हैं तो बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं. तो मैंने हर वीडियो में आपको एक गाइड, एज ए गाइड और आपको एक मेंटोर की तरह हमेशा आपको सपोर्ट किया है और बताना चाहा कि आप खुद अपने लेवल पर भी आप चेक कर सकते हैं कि कैसे हम इसको चेक करें, क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जो आपको बीइंग ए रिसर्चर, बीइंग ए फैकल्टी मेंबर, आपको एक एज ए स्टूडेंट आपको ये देखना चाहिए. अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, तो आप बीइंग ए रिसर्चर आपको ये मालूम होना चाहिए. तो आज मैं उन्हीं सारे पॉइंट्स पर बात करना चाहता हूँ जो एक सभी की रिक्वायरमेंट है. तो दिस इज़ द ऑफिशियल साइट ऑफ द जर्नल ऑफ क्रिटिकल रिव्यूज. इसका सबसे पहले हम एम एंड स्कोप देखेंगे कि आप जिस जर्नल में आप भेजना चाह रहे हैं, अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट को सबमिशन कर रहे हैं, तो उसका एम एंड स्कोप क्या है. तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पूरा एक डिस्क्रिप्शन रहता है, आपको किसी भी जर्नल है उसके होम पर जाना है या फिर आप अबाउट जर्नल पर जा सकते हैं. तो मैं यहाँ पर होम पर आ चुका हूँ ऑलरेडी. तो आप देखेंगे यहाँ JCR इज नथिंग बट दैट इज ए पीयर रिव्यूड ओपन एक्सेस जर्नल. ओपन एक्सेस जर्नल का मीनिंग ये है कि आपसे इसमें पैसा कुछ भी नहीं लिया जाएगा जब आप इसको रीड आउट करते हैं इससे पेपर और आप इससे डाउनलोड करते हैं. मीन्स बीइंग ए रीडर और बीइंग ए रिसर्चर, अगर आप यहाँ से आर्काइव करते हैं, बहुत सारे पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप फ्रीली एक्सेस पोर्टल है, आप सारे पेपर डाउनलोडेड कर सकते हैं एज पर योर इंटरेस्ट. बट लेकिन इसमें जो पेपर पब्लिश करेगा उससे नॉमिनल चार्जेस लिए जाएंगे, वो मैं आपको अभी बाद में बताने वाला हूँ. वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको मालूम होना चाहिए जर्नल पब्लिकेशन के लिए, आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए. तो इसका जो स्टार्टिंग है, तो ऑनवर्ड्स मे 2017 JCR इज डिजाइन टू एक्सचेंज द आइडियाज. तो आइडियाज़ को एक्सचेंज करने और टुवर्ड्स द मोटिवेशन फॉर द रिसर्च इन ऑल द एरिया. सो इसका जो स्कोप की हम बात करें, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द स्कोप डिटेल्स. सो इसके अंदर कौन कौन लोग इसमें पेपर पब्लिश कर सकते हैं वो मैं उसके रिगार्डिंग आपको बता. तो इंजीनियरिंग जितने भी हमारे रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर इंटर बिलोंग्स टू द इंजीनियरिंग साइंस, फार्मेसी, मैनेजमेंट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी. तो इन जितने इस सारे एरिया से जितने लोग रिसर्चर अभी हमारे वीडियो देख रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अब वो इस पर्टिकुलर जर्नल में अपना पेपर पब्लिश कर सकते हैं. तो वी कैन से दिस इज ए काइंड ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल दैट पब्लिश योर पेपर और मैन्यूस्क्रिप्ट इन द हाई क्वालिटी इंडेक्सिंग. अब हम सेकेंड जो इम्पैक्ट फैक्टर है, सेकेंड जो क्राइटेरिया है किसी जर्नल को चूज करने के लिए, वो सेकेंड क्राइटेरिया है कि उसकी इंडेक्सिंग कहाँ पर होती है. तो इंडेक्सिंग के लिए हमारे पास सिर्फ दो पैरामीटर है. फर्स्ट वन पैरामीटर इज द स्कोपस इंडेक्स, कि वो जर्नल आइदर शुड बी इंडेक्स इन द स्कोपस या आइदर शुड बी इंडेक्स इन द बेब ऑफ साइंस अदरवाइज SCI इंडेक्स. तो ये दो कैटेगरीज हमारे पास है, बेब ऑफ साइंस में होना चाहिए, स्कोपस इंडेक्स होना चाहिए. और थर्ड कैटेगरीज ये आती है कि थर्ड पैरामीटर ये होता है कि UGC केयर्ड अप्रूव जर्नल लिस्ट में वो जर्नल है या नहीं है. तो वो कुछ ऐसे रिकमेंडेशन होते हैं कि UGC ने कुछ गाइडलाइन दे रखे हैं कि हमारे UGC केयर लिस्ट में जो जर्नल होगा तभी आपकी वो एक्सेप्टेंस होगा, उस पर्टिकुलर जर्नल का पब्लिकेशन आपको एक्सेप्टेंस होगा फॉर द अवार्ड ऑफ द डिग्री.
तो वो एक क्राइटेरिया एक अलग है, लेकिन आपके दो मेन इंपॉर्टेंट हैं, आपके स्कोपस एंड बेबॉप्स एंड थर्ड वन इज़ द यूजीसी केयर लिस्ट। तो दो सेकंड क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया है कि जिस जर्नल में आप पब्लिकेशन करने जा रहे हैं, पब्लिश करने जा रहे हैं अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट, उसका जो फ्रीक्वेंसी है, मीन्स जो पब्लिकेशन कितने टाइम में वो पब्लिश करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे रिसर्चर, हम सभी लोग किसी एक ऐसे जर्नल में अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट सबमिट कर दें जिसका बहुत काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद हमारे को हमारा उसके पास एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन या कम्युनिकेशन आए कि आपके उसके। तो 6 मंथ अगर डिले हो गया तो हमारा बहुत काफ़ी डिले हो जाएगा, तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले पब्लिशिंग फ्रीक्वेंसी हमें देखना चाहिए। तो इसकी जो पब्लिशिंग फ्रीक्वेंसी, तो आप यू कैन सी हियर, इट इज़ ए बाई मंथली, मीन्स विद इन ए 2 मंथ्स बिफोर द सबमिशन से लेके आपका पब्लिसिकेशन, आपका विद इन 2 मंथ्स के ड्यूरेशन में हो जाएगा। तो आप बिल्कुल नोट करके रख लें, बाई मंथली मीन्स विद इन 2 मंथ्स के अंदर आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा, सबमिशन से लेके पब्लिकेशन विद इन 2 मंथ्स लगेंगे इसको पब्लिश होने का। अब स्कोपस इंडेक्स से ये हम कैसे चेक करेंगे, तो हमारा जो मेन पॉइंट है कि वेदर इट इज स्कोपस इंडेक्स्ड और नॉट। तो आप यहाँ देखेंगे, ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है स्कोपस इंडेक्स है, लेकिन मैं इनके क्राइटेरिया, बहुत सारे ऐसे जर्नल्स भी हैं वो लिख देते बट होता नहीं, लेकिन आज मैं ऐसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि वेदर इट इज स्कोपस इंडेक्स्ड और नॉट। तो थोड़ा और मैं इसके पब्लिकेशन के रिगार्डिंग और थोड़ा जर्नल के रिगार्डिंग में बात करता हूँ। स्कोपस इंडेक्स को क्रॉस वेरीफाई कैसे करते वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लास्ट तक वीडियो देखते रहें क्योंकि वो ही जो मैं आपको अभी बाद में बताने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट कि कैसे हम किसी एक जर्नल को क्रॉस वेरीफाई करेंगे, उसकी ऑथेंटिकेशन कैसे चेक करेंगे, तो बाद में हम इसको देखने वाले। नेक्स्ट वन इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं इस पर्टिकुलर जर्नल में जो जिन्होंने ये पब्लिश किया, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। स्कोपस इंडेक्स में आपको यहाँ पर ओपन एक्सेस जर्नल है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी रिसर्च से रिलेटेड अपने इंटरेस्ट के एरिया से आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं और अपनी रिसर्च को प्रमोट कर सकते हैं, इन पर्टिकुलर जर्नल की मदद ले सकते हैं और रिसर्च पेपर बनाने में। इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस टाइप से बहुत सारे पेपर आ जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर्स। तो इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं जो एक बीइंग ए ऑथर जब हम अपनी मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करने जाते हैं तो क्या क्या गाइडलाइन, क्या क्या हमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना रहता है। तो सबसे पहला एरिया है कि हमें वो सारे स्कोपस स्कोप देखना पड़ता है कि कौन कौन से एरियाज में हम पब्लिश कर सकते हैं, कौन कौन से लोग हैं। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर एम एंड स्कोप। तो लेकिन यहाँ पर इन्होंने फिर से एक बार मेंशन किया है कि पब्लिश क्रिटिकल रिव्यूज जर्नल जो है वो किन कौन सी फील्ड में पब्लिश करता है पेपर, इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल, मेडिकल एंड अप्लाइड साइंसेज, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज। तो इन सारे कैटेगरीज में, इंजीनियरिंग, बहुत सारे कैटेगरीज में ये पब्लिश करता है रिसर्च पेपर बाई मंथली। आप यहाँ पर इन्होंने फिर से मेंशन किया कि बाई मंथली विद इन 2 मंथ्स में पेपर पब्लिश कर देंगे। मैन्यूस्क्रिप्ट हैज बीन सबमिटेड ओनली टू JCR, मीन्स एक ही जर्नल में हमारी पब्लिश होना चाहिए, सबमिट होना चाहिए। इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन आप जो अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट सबमिट करेंगे तो बहुत सारी जगह आपको लेटेक्स के फॉर्म में बनाने के लिए दी जाती है, लेकिन आपको यहाँ पर बेनिफिट ये है कि इन्होंने सिर्फ MS वर्ड में ही मांगी है कि आपको MS वर्ड में ही टाइप करके उसको प्रिपेयर करके एज पर अवर गाइडलाइन आपको सबमिट करनी है, तो आप सबमिट कर सकते हैं EGBA में। तो गाइडलाइन इन्होंने नीचे दे रखी तो आप उनको रीड आउट कर सकते हैं कि फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए। तो ये सारी गाइडलाइन को आप एक बार केयरफुली एक नोट पैड पर आप नोट कर लें और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपनी गाइडलाइन को इनको फॉलो करके अपना रिसर्च पेपर मैन्यूस्क्रिप्ट रेडी करें। तो इन्होंने बहुत केयरफुली और नीट एंड क्लीन वे में बहुत क्लेरिफाई किया है हर चीज़ को कि आप अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट कैसे रेडी किए करेंगे। हेडिंग है, डेटा है, कॉलम, इस टाइप से पूरा एक मैंसन किया है, आपको थॉरली एक गाइडलाइन दे रखी है कौन कौन से सिंबल्स आपको यूज करना है, क्या बेस यूनिट्स हैं, क्या फिजिकल क्वांटिटी है, तो उनके लिए क्या क्या टर्म आपको यूज करेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे, कीवर्ड यूज करेंगे, वो सारी थॉरली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उन्होंने दे रखी। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर फीस, क्योंकि हमारे सभी रिसर्चर्स के रिगार्डिंग बहुत बड़ा इशू होता है कि वो एक अननोइंग रहते हैं, एक ब्लाइंडली बिलीव करते हैं कि ठीक है हमारा एक्सेप्टेंस आ जाता है, आ जाना चाहिए हमारे पेपर पब्लिक है, फिर बाद में देखेंगे। लेकिन बिफोर सबमिशन एज पर माई रिकमेंडेशन, एज पर माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू, कि जब आप एक सबमिशन के लिए जा रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर जर्नल के रिगार्डिंग आपको पूरी थॉरली इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि वो जर्नल किस टाइप का है, उसकी पब्लिशिंग फीस कितनी है,
कब वो पब्लिश करेगा, किस टाइप का जर्नल है, सारी चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए। तभी इन सारे पैरामीटर्स को चेक करने के बाद देन आपको सबमिशन करना चाहिए अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट को। तो जे सी आर एजेंट है ओपन एक्सेस एंड फ्री टू एक्सेस, उन्होंने क्लियर मेंशन किया फ्री टू एक्सेस मीन्स आप किसी भी पेपर को हमारी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिसर्च में मदद ले सकते हैं। देर इज नो सबमिशन फीस एंड हैंडलिंग फी, बट ओपन एक्सेस फीस इज मस्ट फॉर एक्सेप्टेड आर्टिकल। तो यहाँ पर इनको ना क्या बोला है कि आपसे जो इल्ड का जो चार्जेस होगा वो कौन से सॉलिसिटेड फ्रॉम द होता, जो रिव्यूअर्स होते हैं पेपर के आपको चेक करते हैं उनकी जो नॉमिनल फीस होगी वो आपसे चार्ज की जाएगी। सो इन्होंने बिल्कुल क्लियरली होता मेंशन कर दिया है, तो आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए बिफोर सबमिशन योर माइंड मैन्यूस्क्रिप्ट और रिसर्च पेपर के। इसमें कुछ आपको पब्लिकेशन चार्जेस देने पड़ेंगे जब आपका पेपर एक्सेप्टेंस हो जाएगा। अगर आप बहुत सारे पेपर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आर्काइव कर सकते हैं। अगर आपको अपना आर्टिकल सबमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे और देन आपको यहाँ पर पेपर पब्लिश करना है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ अब ये है कि आपको क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ सबसे पहले मैं होम पर जाऊँगा इस जर्नल में, और जर्नल के होम पर जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे इन्होंने जहाँ पर मेंशन किया स्कोपस, तो जो एक ओरिजिनलिटी होती किसी एक जर्नल्स की वहाँ पर एस जे आर रैंकिंग लिखी होगी, अदरवाइज वहाँ पर एक स्कोपस जिधर लिखा होगा वहाँ पर आप जब जाएंगे तो वहाँ पर इस टाइप से माउस का आइकन चेंज हो जाएगा। तो आपको उस पर क्लिक करना है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा स्कोपस इंडेक्स के जर्नल्स के पेज पर। मीन्स दैट मीन्स के स्कोपस से रिलेटेड है। तो इसका फर्स्ट वेरिफिकेशन यहाँ हो चुका है कि इन्होंने यहाँ लिंक दी है और आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, मीन्स इसका मीनिंग यहाँ पर है कि सो स्कोपस जर्नल्स के अंदर ए पब्लिकेशन होता है स्कोपस इंडेक्स जर्नल। अब यहाँ पर साइट स्कोर भी इन्होंने मेंशन किया है, SNIP भी यहाँ पर बताया है और पूरे सारे एरियाज बताए कि किन किन एरियाज में पेपर पब्लिश करते हैं स्कोपस के पोर्टल पे, जो ऑथेंटिक पोर्टल है। अब मुझे और इंश्योर करना है कि चेक करना है कि जर्नल सही है, तो मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा, डीप डाइव करूंगा। तो जर्नल के होम पेज पे आप यहाँ देख सकते हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे, देन यू नीड टू क्लिक ऑन जर्नल होम पे, सो यू विल बी रीडायरेक्ट टू द पर्टिकुलर जर्नल। तो ये जर्नल का होम पेज आ गया, मीन्स आप इसको जर्नल से आप स्कोपस पे गए थे और जिस स्कोपस पे वहाँ क्लिक करने के बाद इसके जर्नल के होम पेज पे आ गए। तो दैट इज़ द फर्स्ट ऑथेंटिकेशन, मीन्स दिस इज द ऑथेंटिकेशन ऑफ दिस जर्नल, कि ये जर्नल ऑथेंटिकेट है और स्कोपस इंडेक्स जर्नल है। तो फर्स्ट वेरीफिकेशन। सेकंड वेरिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड वेरिफिकेशन मुझे हम लोग को सभी को कैसे करना चाहिए। तो स्कोपस की जो साइट होती है आपको वहाँ जाना है, स्कोपस की साइट पर scopus.com है, मैं इसकी साइट लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो स्कोपस पर जाकर आपको क्या करना है कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे हम चेक करेंगे, तो आपको वहाँ पर डिसकंटिन्यूड लिस्ट और कुछ न्यू जर्नल एडेड हुए हैं, तो वो मैंने यहाँ पर आपको जर्नल्स के यहाँ पर मैं दोनों टाइप की जर्नल्स को यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि ये दोनों टाइप की मेंशन है वहाँ स्कोपस इंडेक्स में, कि कौन कौन से डिसकंटिन्यूड जर्नल हो चुके हैं स्कोपस से इन 2020 में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि वो जर्नल जो हम चेक करना चाहते हैं कि डिसकंटिन्यूड लिस्ट में तो नहीं है कहीं वो, तो कंट्रोल एफ करेंगे आप यहाँ पर एक्सेल सीट में आने के बाद, और आप यहाँ पर चेक करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ देखेंगे कुछ भी हमें रिजल्ट नहीं मिला है। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ द डिसकंटिन्यूड लिस्ट फ्रॉम द स्कोपस सोर्स। तो स्कोपस ने जिन जर्नल्स को डिसकंटिन्यू कर दिया स्कोपस इंडेक्स से, उन जर्नल्स की लिस्ट है 572 जर्नल्स की लिस्ट है। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट है, अब मैं यहाँ पर थर्ड वेरिफिकेशन, थर्ड क्रॉस वेरिफिकेशन के वो जर्नल्स कौन कौन से हैं जो न्यूली एडेड हुए हैं स्कोपस इंडेक्स के अंदर, तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो फिर से आप कंट्रोल एफ करेंगे एक्सेल सीट पर और देन आप इसको फाइंड आउट करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो जर्नल्स यहाँ पे स्कोपस के जर्नल्स में एडेड हुए हैं, तो आप यहाँ जर्नल्स के रिगार्डिंग यहाँ देख सकते हैं, जर्नल ऑफ क्रिटिकल रिव्यूज, उसकी थॉरल इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर इंडेक्स जर्नल्स में एक्सेल सीट में मिल जाएगी। इसके रिगार्डिंग आप देखेंगे कि जर्नल्स का जो एक काइंड ऑफ एक्टिव है या नॉन इनएक्टिव है, तो वो पूरा यहाँ पर एक्टिव जर्नल्स है, ऑन गोइंग है, 2019 से स्टार्ट हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज है, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर थॉरली इस लिस्ट में मेंशन है कि कैटेगरी किस टाइप का जर्नल कैटेगरी है, बहुत सारे यहाँ पर मेंशन किया है, इनोवेटिव एकेडमिक साइंस, दिस इज़ द पब्लिशर नेम, सब कुछ यहाँ इन्होंने मेंशन किया है।
और लाइफ साइंस के लिए बहुत सारे जो हमने स्कोप्स देखे थे कि किन किन स्कोप्स में जर्नल पेपर पब्लिश करता है, मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश करता है, रिसर्च पेपर पब्लिश करता है, तो वो थॉरली इन्फॉर्मेशन इस इनकी स्कोपस इंडेक्स्ड अप्रूव्ड लिस्ट में इसकी पूरी डिटेल है। मीन्स ये थर्ड क्रॉस वेरीफिकेशन मैंने आपको चेक करना सिखाया कि आप किसी भी जर्नल को अपने लेवल पर, आप बींग ए रिसर्च या बींग ए फैकल्टी मेम्बर, आप चेक कर सकते हैं कि उसकी ऑथेंटिसिटी उस जर्नल की क्या है। देयर इज ए ऑफर टू पब्लिश योर मैन्युस्क्रिप्ट इन दिस जर्नल, 1000 रुपी का डिस्काउंट है। अगर आप 28th of June 2020 से पहले अगर अपनी मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करते हैं, रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं 28 जून से पहले और 28 जून तक, एक मैं आपको मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस मेल पर आपको क्या करना है, एक अपनी मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करनी है और आपको 1000 रुपी का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो दिस इज़ द वे बाई विच वी कैन चेक ऑल द जर्नल्स के ऑथेंटिसिटी। सो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को, क्योंकि हम ऐसे ही नए वीडियो आपके लिए हर डेली मॉर्निंग में 8 AM पर आपको हमारा ऐसा नया वीडियो मिलेगा। अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है, कहीं आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही किसी जर्नल्स के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसको नोट करके भेज दीजिए, तो हम डेफिनेटली आपको कोशिश करेंगे बहुत जल्दी से आपको उसका रिस्पॉन्स दें और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें बाय शेयरिंग दिस वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।